ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सबका अव्यक्तवाणी ग्रुप में स्वागत है। अमी सिस्टर आज का मुरली पढ़ेंगे ना। ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आज 26 अगस्त 2023। आज हम कल जो मुरली पढ़ी थी, इंतजार को छोड़कर इंतजाम करो, मुरली की डेट है 23/10/1975। उसका सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे। कल की मुरली ने बाबा ने सभी बच्चों के तकदीरवान बच्चों की तस्वीर को देखा था और 3 लकीरें उसमें दिखाई थी। बाबा ने अलग अलग बताया था कि कौन से बच्चे कितने मार्क्स पे हैं, और साथ ही बाबा ने जन्म पत्री भी देखी थी। आज बाबा दादी जी के साथ ये मुलाकात है बाबा की, और उसमें बाबा रूहानी यात्रा, जो डबल रूहानी यात्रा कैसे डबल यात्रा करते हैं उसके बारे में बताया है। यहाँ मुरली का जैसे सेकेंड हाफ का जो टाइटल है वह है संगठन का बल, अर्थात एक ही संकल्प। तो संगठन में सब एक ही संकल्प में चलकर कैसे मजबूत बन सकते हैं और उसकी महत्व क्या है उसका, वो बताया है बाबा ने। आगे जैसे यह यज्ञ जब स्टार्ट हुआ तो उसमें एक तरफ स्थापना भी शुरू हुई, उसमें एक तरफ विनाश की तैयारियां भी शुरू हुई। तो आगे चलकर अंत में दोनों ही विनाश और स्थापना, दोनों ही चीज यानी कि नई दुनिया के नजारे साथ में कैसे दिखाई देंगे उसका भी वर्णन बाबा ने किया है। और लास्ट में बाबा ने बताया है कि नॉलेज का कैसे महत्व है। जैसे चारों सब्जेक्ट्स हैं तो उसमें नॉलेज का सबसे ज्यादा महत्व है, वह बाबा ने स्पष्ट किया है। तो आइए सुनते हैं बाबा के महावाक्य। सभी अलर्ट के सुनेंगे। दादी जी के साथ संगठन का बल, अर्थात एक ही संकल्प। रूहानी यात्री जो डबल यात्रा करने आते हैं, एक मधुबन की यात्रा, दूसरी विशेष मधुबन में रूहानी यात्रा। तो डबल यात्रा करने वाले यात्री जो भी आते हैं वह आराम से अपनी यात्रा सफल करके जाते हैं। यहाँ दो बाबा बाबा ने दो यात्रा बताई है, मधुबन की यात्रा यानी मधुबन में आना साकार रूप में, और दूसरा मधुबन में रूहानी यात्रा यानी कि मधुबन में आकर आत्मा अपनी प्रगति की यात्रा जो करती है, अपने स्टेज बढ़ाने की यात्रा जो करती है उसकी। तो बाबा कहते हैं सब संतुष्ट रहते हैं। गाया जाता है कि यदि दिल बड़ा है तो जगह भी बड़ी है। स्थूल जगह भले ही कम हो लेकिन आने वालों की, स्वागत करने वालों की और सेट करने वालों की दिल बड़ी है तो जगह की कमी महसूस नहीं होगी। जैसे हम जानते हैं आज भी मधुबन का कितना विस्तार हुआ है, कितनी जगह हुई है बाबा बच्चों के रहने के लिए, लेकिन फिर भी जैसे बच्चों की संख्याएं बढ़ती जाती है तो ऐसे लगता है कि इतने सारे बच्चे कैसे समाएंगे।
बाबा कहते हैं, अगर आने वालों का दिल बड़ा है और स्वागत करने वाले वहां पे जो मधुबन निवासी हैं और जो सेट करते हैं हमें, अकोमोडेशन वगैरह सब देते हैं, तो अगर उनकी दिल बड़ी है तो जगह की कमी महसूस नहीं होगी। फिर 63 जन्मों की हुई यात्राओं से तो सब सेलिब्रेशन संगम की यात्रा पर ज्यादा मिलती है। वह जड़ चित्रों की यात्रा कितनी मुश्किल होती थी, यानी कि जब हम भक्ति मार्ग में थे और अलग अलग यात्रा करने जाते थे मंदिरों की, तो वहां पर जो हमें सुविधाएं मिलती थी, जो सेलिब्रेशन मिलता था, उसके मुकाबले यह जो सेलिब्रेशन यहाँ पे मिल रहा है संगम युग की यात्रा पर, वो तो बहुत ही ज्यादा है। बहुत ही आराम से रहते हैं हम, बाबा बहुत ही अच्छी पालना देते हैं। आगे बाबा कह रहे हैं, आप लोग भी तो यह देख रेख करती हो कि हमारा संगठन एक संकल्प वाला कहाँ तक बने हैं। शास्त्रों में गायन है कि ब्रह्मा को संकल्प उठा कि सृष्टि रचे, तो सृष्टि रची गई। यहाँ अकेले ब्रह्मा की तो बात नहीं, लेकिन ब्रह्मा सहित सब ब्राह्मणों का भी जब तक एक साथ यह संकल्प उठे कि अब हम सब एवरेडी हैं और नई दुनिया की स्थापन होनी ही चाहिए या होगी ही, ऐसा दृढ़ संकल्प जब ब्राह्मणों के अंदर उत्पन्न हो, तभी सृष्टि का परिवर्तन हो, अर्थात नई सृष्टि की रचना प्रैक्टिकल में दिखाई दे। बाबा कह रहे हैं, जैसे शास्त्रों में कहा है कि ब्रह्मा ने नई सृष्टि रची, बाबा यहाँ प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रह्मा के संकल्प चले, यहाँ ब्रह्मा के साथ साथ हम सब ब्राह्मणों का भी ऐसा संकल्प उठे कि हम सब एवरेडी हैं और नई दुनिया की स्थापन होनी ही चाहिए, ऐसा दृढ़ संकल्प और सबका पूरा संगठन का एक साथ एक ही संकल्प। तब कहते हैं कि बाबा यहाँ नई सृष्टि की रचना प्रैक्टिकल में दिखाई देगी, यानी कि हर एक ब्राह्मण का संकल्प एक हो और दृढ़ता वाला हो। इसमें भी संगठन का बल चाहिए, तो यह अंडरलाइन करें कि संगठन का बल कितना आवश्यक है। एक दो का व सिर्फ 8 का नहीं, लेकिन सारे संगठन का एक संकल्प चाहिए। जैसे ये मुरली के फर्स्ट हाफ में बाबा ने बताया ना कि हर एक आत्मा, ब्राह्मण आत्मा भी सोचती है कि कब सारी आत्मा इंतजार कर रही है कि कैसे होगा, कब होगा। तो बाबा उसमें बाबा ने कहा कि इंतजार नहीं, इंतजाम करो, यानी स्वयं को तैयार करो। तो उसी प्रकार बाबा कहते हैं कि सारे संगठन का भी एक संकल्प चाहिए। संकल्प से सृष्टि रचना, इसका रहस्य इस प्रकार से है। संकल्प उत्पन्न होगा और सेकंड में समाप्ति का नगाड़ा बजना शुरू हो जाएगा। इसको भी हम अंडरलाइन कर सकते हैं कि जब हमें स्वयं के परिवर्तन का संकल्प उठेगा, दृढ़ संकल्प, तो हमारे जो पुराने संस्कार स्वभाव है उसकी भी समाप्ति का नगाड़ा बजना शुरू हो जाएगा, यानी कि हम रेडी हो जाएंगे। एक तरफ समाप्ति का नगाड़ा, दूसरी तरफ नई दुनिया का नजारा साथ साथ दिखाई देगा। वहां ही विनाश की अति होगी और वहां ही जलमय के बीच चारों ओर विनाश में एक हिस्सा धरती और बाकी 3 हिस्सा तो जलमयी होगी ना।
यह जो सभी पीछे पीछे अनेक धर्मों के कारण अनेक देश बने हैं, वह अनेक धर्म जब समाप्त होंगे तो अनेक देश भी एक सैरगाह के रूप में जल के बीच एक टापू के मुआफिक हो जाएंगे। तो बाबा यहाँ कहने चाहते हैं कि जो सारी धरती है उसका एक हिस्सा, यानी कि अगर उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करें तो उसका एक हिस्सा धरती के रूप में रहेगा और जो 3 हिस्से हैं वो जल में समा जाएंगे। और बाबा कह रहे हैं कि जैसे जैसे धर्म आते गए, इस्लाम धर्म आया, क्रिश्चियनिटी आई, बौद्धिज्म आया, तो वो धर्म वाले जो देश जो है वह भी क्या हो जाएंगे, जल में समा जाएंगे और उसका थोड़ा सा हिस्सा टापू के रूप में दिखाई देगा जो हमारे सैरगाह के लिए, यानी कि सतयुग में पिकनिक स्पॉट्स के रूप में रहेगा। तो एक तरफ विनाश की अति के नगाड़े होंगे, दूसरी तरफ फर्स्ट प्रिंस यानी कि कृष्ण के जन्म का आवाज बुलंद होगा। वह पत्ते पर नहीं आएगा, दिखाते हैं ना जलमय के बाद पत्ते पर श्री कृष्ण आया। 3 हिस्से जलमय में होने के कारण भारत जब परिस्थान बनता है तो उसको जलमय दिखा दिया है, यानी कि बाबा ने पहले से ही कहा है कि सिर्फ भारत ही रहेगा विनाश के बाद, वह अविनाशी धरती है। तो वो जब परिस्थान अर्थात सत्युग जब आएगा तो भारत कैसा होगा, सारी जल में यानी कि एक टापू के जैसा होगा, बड़ा सा आइलैंड की तरह। ऐसे जलमय के बीच पहला पत्ता जो फर्स्ट आत्मा है उसके जन्म का चारों ओर आवाज सिद्ध होगा कि फर्स्ट प्रिंस प्रत्यक्ष हो चुका है, जन्म हो चुका है। यानी कि जब भारत परिस्थान बनेगा तो वेरी फर्स्ट बर्थ किसका होगा, कृष्ण का, और इसकी आवाज प्रसिद्ध होगी। तो वह भी अति में होगा अर्थात जलमय के 3 हिस्से का नजारा होगा और एक हिस्सा भारत परिस्थान के रूप में प्रकट होगा, जो दिखाते हैं कि सोने की द्वारिका पानी से निकल आई, लेकिन पानी से नहीं, 3 हिस्से पानी में होगा, यानी कोई ऐसी द्वारिका पानी में से इमर्ज नहीं होगी, भारत ही ऐसे होगा जो चारों तीनों ओर पानी ही पानी होगा उसके। इसलिए पानी के बीच सोने की द्वारिका दिखाई देगी, इसलिए कहते हैं कि सोने की द्वारिका पानी से निकल आई। सिर्फ उस बात का पूरा वर्णन नहीं कर सके हैं और उसी समय पर फर्स्ट आत्मा के जन्म की जय जयकार होगी। बाबा ने कहा कि जो आगे स्पष्ट किया ना कि भारत रहेगा और सारे हिस्से धरती के पानी में चले जाएंगे, तो उसको उन्होंने यहाँ पे डिपिक्ट किया शास्त्रों में कि द्वारिका, सोने की द्वारिका जल से ऊपर आई, बस वह वर्णन उन्होंने गलत कर दिया। ऐसे नजारे सामने आते हैं तो पुरानी दुनिया के महाविनाश का नगाड़ा और नए फर्स्ट प्रिंस के जन्म का नजारा साथ साथ दिखाई देगा। जैसे नगाड़ा बजाने से पहले नगाड़े को गर्म किया जाता है तब आवाज बुलंद होती है, यह भी योग अग्नि से नगाड़ा बजने के पहले तैयारी चाहिए तब नगाड़े की आवाज बुलंद होगी। तो बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि नगाड़ा बजाना हो तो उसके पहले उसे गर्म किया जाता है। तो यहाँ पर भी जो नई दुनिया का नगाड़ा बजाना है, बाबा की प्रत्यक्ष
का भी नकारा बजाना है तो उसके लिए हमारे योग अग्नि की आवश्यकता है। योग अग्नि से पूरा सुकर्म किया जाएगा, उसे उसमें डाला जाएगा, तब जाके नगाड़े बजेंगे। इंतजाम में लगे हुए हो ना, इंतजार करने वालों को भी इंतजाम में लगाओ, तब जय जयकार होगी। तो बाबा दादी को कह रहे हैं कि जो आत्माएं अभी तक, ब्राह्मण आत्माएं अभी तक इंतजार में ही पड़ी है, क्या क्योंकि क्वेश्चंस में ही पड़ी है, उनको भी अब इंतजाम करने में लगाओ, तब जाकर जय जयकार होगी। आगे बाबा कहते हैं, जब शरीर को चलाना आ जाएगा तब राज्य चलाना आ जाएगा। शरीर को चलाना अर्थात राज्य करना, तो राज्य करने के संस्कार भरने हैं ना। नॉलेजफुल कहा जाता है, तो फुल नॉलेज में तन मन धन और जन सब आ जाता है। तो बाबा चाहते हैं कि हम स्वयं के पहले शरीर को चलाने, यानी कि स्वराज्य अधिकारी हम बने, तभी हम आगे चलकर विश्व राज्य अधिकारी बनने के लायक बनेंगे। और बाबा कह रहे हैं कि नॉलेजफुल किसको कहा जाता है, जिसको स्वयं के तन मन धन और जन की पूरी पूरी नॉलेज हो। अगर एक की भी नॉलेज कम है, यानी कि ये चार बातें बताई ना, तन मन धन और जन, उसमें से एक की भी नॉलेज कम है तो नॉलेजफुल नहीं कहेंगे। समझा? सदा सफलता मूर्त बनने का आधार भी नॉलेजफुल है। नॉलेज नहीं तो सफलता मूर्त भी नहीं हो सकते। समय के प्रमाण, पुरुषार्थ की गति भी तीव्र होनी चाहिए। समय की रफ्तार तेज है और चलने वालों की रफ्तार ढीली है, तो समय पर कैसे पहुंचेंगे? बाबा कह रहे हैं, एक बल एक भरोसा, यह है मुख्य सब्जेक्ट। हर समय एक की ही याद में एक रस रहना, इसी पुरुषार्थ में ही सदा सफल हो तो मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। तो कौन से पुरुषार्थ पर हमें ज्यादा अटेंशन देना है? हर समय एक की ही याद में एक रस रहना, इसे अंडरलाइन करें। जो अटूट स्नेह में रहते हैं उनको सहयोग भी स्वतः ही प्राप्त होता है। मांगने की दरकार नहीं, स्वतः ही प्राप्त होता है। बाबा ऐसे बच्चों को किसी भी परिस्थिति में तुरंत ही टच करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो उसमें हमें एक रस स्थिति हमारी बनानी है। बाबा आगे मुरली का क्या महत्व है, क्योंकि नॉलेजफुल बनना है ना सफलता मूर्त बनने के लिए, और नॉलेज हमें मिलती कहाँ से है? मुरली से। तो मुरली का क्या महत्व है मैं बता रही हूँ। बाबा कह रहे हैं, मुरली है लाठी, इस लाठी के आधार से कोई कमी भी होगी तो वह भर जाएगी। यह आधार ही अपने घर तक और अपने राज्य तक पहुंचाएगा, लेकिन लक्ष्य से, नियम पूर्वक नहीं लेकिन लगन से। तो बाबा कह रहे हैं, मुरली भी पढ़नी है सुननी है, लेकिन एक लक्ष्य लेकर, स्व परिवर्तन का लक्ष्य लेकर, सिर्फ नियम पूर्वक पढ़ना या सुनना नहीं है, वह काम में नहीं आएगा। आगे बाबा कह रहे हैं, तो लगन से मुरली पढ़ना व सुनना अर्थात मुरलीधर की लगन में रहना, मुरलीधर से स्नेह की निशानी मुरली है। हमने सुना है ना कि दादियां कितनी बार मुरली पढ़ती थी दिन में,
आठ आठ बार पढ़ते थे। क्यों पढ़ते थे? क्योंकि उनका मुरलीधर से इतना स्नेह था और वो स्नेह पूरा पूरा पीना चाहते थे मुरली के आधार। जितना मुरली से स्नेह है उतना ही समझो मुरलीधर से भी स्नेह है। सच्चे ब्राह्मण की परख मुरली से होगी। मुरली से लगन अर्थात सच्चा ब्राह्मण। मुरली से लगन कम अर्थात हाफ कास्ट ब्राह्मण। तो हम स्वयं को यहाँ पे चेक करें कि क्या मुझे आत्मा को भी मुरली से इतनी लगन है? कहीं मैं मिस कर दूं तो मुझे जल जाएगा, ऐसा तो नहीं है? क्या हम इतना ध्यान रखते हैं कि रोज की मुरली पढ़े सुने? क्योंकि हमें हाफ कास्ट ब्राह्मण नहीं बनना है, हमें सच्चा ब्राह्मण बनना है। अच्छा, अभी सभी 1 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। जी सिस्टर, यहाँ पर आप कंटिन्यू कीजिए डिस्कशन। तो सभी लोग हैंड रेज करो और अपने पॉइंट शेयर। जी बताइए, मुरली के पॉइंट शेयर करें सभी। शांति। बताइए किस यात्रा की बाबा ने बात की? ओम शांति दीदी, ओम ओम शांति शांति। दीदी। भगवान बाबा ने कहा है, हर ब्राह्मण का संकल्प एक हो, सारे संकल्प का एक संकल्प होनी चाहिए, इंतजार नहीं इंतजाम करनी चाहिए। जो नगाड़ा बजेगा शुरू हो जाएगा, नगाड़ा बजना शुरू हो जाएगा, तो सब हमारे संकल्प पर आधार है। ओम शांति। जी, बाबा ने कहा ना सारे संगठन का एक ही संकल्प। जी रीमा सिस्टर। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हमें संगठन का बल अर्थात संगठित रूप में, जब सब ब्राह्मणों के अंदर बाबा ने कहा रहम की भावना होगी, विश्व कल्याण की भावना होगी, सर्वात्माओं के दुखों से छुड़ाने की शुभकामनाएं होंगी, फिर बाबा ने कहा जब तक दिल से उत्पन्न नहीं होगा तब तक विश्व परिवर्तन रुका हुआ है। अभी सब हलचल में है, तो हलचल मतलब कि अटल नहीं है, स्व के भी हलचल में है कि न तो स्वराज्य अधिकारी हैं, न माया जीत न प्रकृति जीत अभी बन रहे हैं, क्यों क्या के क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए अटल नहीं है। बाबा ने कहा एक ही संकल्प में जब अचल होंगे, दृढ़ संकल्प की इकट्ठी उंगली अर्थात संगठित रूप में सबका एक ही संकल्प होगा, एक बल एक भरोसा, हर समय एक की ही याद, एक रस रहना, जब सब एवर रेडी हो जाएंगे तब ये कलयुगी पर्वत परिवर्तन होके गोल्डन वर्ल्ड आएगा। ओम शांति। जी बहुत सुंदर।
और भी बताएं। तो आज क्या नजारा दिखाया बाबा ने, उसका भी वर्णन कर सकते हैं कोई? ओम शांति। जी आज भोपाल भाई, बाबा जी, आज बाबा ने जो कहा है कि जब समाप्ति का नगाड़ा बजेगा, क्योंकि कईयों को बहुत क्वेश्चन रहते थे, ऐसे पढ़ने में भी आता था, वीडियोस में भी आते थे ऐसे, कि श्री कृष्ण का जन्म कब होगा, हो चुका है या होने वाला है, या इतने साल का हो गया। और बाबा ने जो बहुत क्लैरिटी हर मुरली में हर चीज़ की क्लैरिटी दी है, तो आज बाबा ने जो कहा है कि श्री कृष्ण का जन्म कब होगा, कैसा उसमें जो है चारों तरफ का जो लक्षण क्या होंगे, तो बाबा ने साफ बताया कि जब एक जो समाप्ति का नगाड़ा होगा और साथ में दूसरी नई दुनिया का जो नज़ारा होगा वो साथ साथ दिखाई देंगे। तो बाबा ने जो कहा है कि जो अनेक जो धर्म बने हैं, जो अनेक धर्मों के कारण जो अनेक देश बने, क्योंकि जब भी अब मतों में फर्क आता है तो टूट जाता है, टूट पड़ती है, तो उससे अनेक देश बने। तो बाबा ने कहा है कि जब आगे समाप्ति होएगी उसमें क्या होगा कि जो जलमय हो जाएगी दुनिया, पर वो क्या हो जाएंगे, एक सैरगाह के रूप में, टापू के रूप में हो जाएंगे। और दूसरी तरफ जो बाबा ने कहा है कि जो दूसरी तरफ फर्स्ट प्रिंस के जन्म का आवाज़ बुलंद होगा, ये है वो टाइम, वो पत्ते पर नहीं आएगा, दिखाते हैं ना, जलमय के बाद पत्ते पर श्री कृष्ण आया। तो ये उसका बाबा ने रहस्य बताया, क्योंकि शेप ही क्या हो जाएगा, भारत का आकार ही उसमें क्या हो जाएगा, पीपल के पत्ते की तरह हो जाएगा। तो बाबा ने कहा 3 हिस्से जलमय होने के कारण भारत जब परिस्थान बनता है तो उसको जलमय दिखा दिया है। ऐसे जलमय के बीच पहला पत्ता जो फर्स्ट आत्मा है उसके जन्म का चारों ओर आवाज प्रसिद्ध होगा कि फर्स्ट प्रिंस प्रत्यक्ष हो चुका है। ओम शांति। जी तो जो दूसरे देश है वो उसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा रह जाएगा और वो हमारे सैरगाह के लिए रहेगा। और सिर्फ भारत ही अविनाशी खंड है तो वो ही सिर्फ रहेगा, एक हिस्सा जो धरती का रहेगा वो रहेगा भारत, और उसको शास्त्र में कैसे वर्णन किया है कोई बताए? भारत की धरती जो जलमय दुनिया में रहेगी उसको कैसे वर्णन किया? हाँ जी निर्मला सिस्टर, ओम शांति। बाबा ने कहा कि जैसे लोग गायन करते हैं ना, द्वारिका जल में समा गई, तो जल में समाने का वो जो गलत बोल देते हैं, बाकी जल में समाना नहीं, चारों तरफ जल ही जल होगा और बीच में हमारा भारत होगा, तो वो ऐसा लगेगा कि वो उसमें से निकली है, समा ही नहीं है, तो वो हाँ चारों तरफ जल मतलब होने के कारण। जी जैसे वर्णन किया है कि सोने की द्वारिका जल के बीच निकली, यहाँ पे निकली जैसे मतलब सत्यु का आया तो द्वारिका निकली, तो वैसे नहीं लेकिन चारों ओर पानी होगा तो ऐसे दिखाई देगा कि वो जल के बीच है और सोने की दुनिया वहां पे बनी है। तो उसका वर्णन किया है कि द्वारिका पानी से निकल आई, समा तब जाएगी, मतलब उसका वर्णन ऐसे करते ना कि समा गई, तो वो तब कब होगा जब द्वापर युग शुरू होगा, यानी कि फर्स्ट हाफ कल्प का पूरा होगा तब। जी तो नगाड़े का जो बाबा ने बताया उसका क्या कहते हैं बाबा, वो भी सुनाए कैसे उसको गर्म किया जाएगा प्रैक्टिकल में, जो नगाड़ा बजना है बाबा की प्रत्यक्षता का कहो या फिर
नई दुनिया का नकारा कहो, उसे हमें किस में गर्म करना है, क्या चीज चाहिए? योग अग्नि। जी, तो बाबा ने कहा कि योग अग्नि से नगाड़ा बजने के पहले तैयारी चाहिए, तब नगाड़े में आवाज बुलंद होगी। नगाड़े की आवाज तब बुलंद होगी जब हम सभी आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं, योग अग्नि में स्वयं को भी तपाएंगी और इस सारे पूरे तमो प्रधान वातावरण को भी तपाकर सत्व प्रधान बनाएंगे। जी, और भी पॉइंट्स कई है बच्चे, बताएं कोई मुरली के। आज मुरली का को क्या नाम दिया है बाबा ने? ओम शांति। और वैसे जी तो मेन टाइटल तो ये कि इंतजार को छोड़ अब इंतजाम करो, पर जो आज का जो सब टाइटल हुआ है संगठन का बल अर्थात एक ही संकल्प, जी तो सभी ब्राह्मणों का एक ही संकल्प होगा। बाबा ने कहा है कि कहते हैं कि संकल्प से सृष्टि रचित। बाबा ने उसका रहस्य बताया कि नई सृष्टि तभी आएगी, उसकी संपूर्ण रचना तभी होगी जब हम सभी का एक ही संकल्प हो जाएगा, तो तभी जो है फिर नई सृष्टि का जो आगमन हो जाएगा। ओम शांति। जी यहाँ पे संगठन का बल यानी कि यूनिटी, थॉट्स में भी यूनिटी, एक ही संकल्प जब होगा तब, क्योंकि सभी ब्राह्मण अभी तक अलर्ट नहीं हुए हैं ना, कुछ अलबेलेपन में भी हम चले जाते हैं, इसलिए अभी तक हम एक ही संकल्प में नहीं आए हैं। तो बाबा ने आज मुरली को टाइटल दिया लाठी का, है ना? बाबा कह रहे हैं इस लाठी के आधार से कोई कमी भी होगी, यानी कि स्वयं में कोई कमी कमजोरी होगी, वह भी भर जाएगी। तो कोई बता सकता है कि लाठी कैसे कमी कमजोरी भरेगी? मुरली मुरली हमारी कमी कमजोरी कैसे भर सकती है? कोई अपना मनन चिंतन शेयर करे। ओम शांति। तो जो बाबा ने वहां पर महावाक्य उच्चारण किया उससे पहले एक महावाक्य है कि एक रस एक बल एक भरोसा, यह है मुख्य सब्जेक्ट। समय एक ही याद में एक रस रहना, इसी पुरुषार्थ में सदा सफल हो तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो बाबा का कहना यही है कि मुरली तो हम सुनते हैं, लेकिन मुरली सुनते ही हमें उसके साथ नॉलेजफुल होना है ना, उसको समझना है। जब तक हम उसको समझेंगे नहीं तब तक वो एक रस अवस्था नहीं आएगी ना। तो मुरली एक रीति से लाठी बाबा ने बोला है, तो वो नॉलेजफुल के लिए बोला है ना। जितना हम मतलब नॉलेजफुल माना सिर्फ पढ़ना नहीं, लेकिन उसको अच्छी तरह से समझना। और हम उसको अच्छी तरह से समझेंगे तभी वो एक रस अवस्था होगी। ओम शांति। जी, जैसे किसी दुर्गम स्थान पर हम जा रहे हैं या ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं तो हमें लाठी की आवश्यकता रहती है, वो एक सहारा बनता है, हम वन बाय वन स्टेप्स आगे लेने के लिए। तो ये हम जो बाबा की नॉलेज है वो इस दुनिया से पूरा विपरीत है, और हमें ऊंचाई की ओर बढ़ना है, हमें स्वयं को ऊंचा ले जाना है, स्वयं की स्थिति को। तो उसके लिए लाठी यानी कि मुरली ही आधार है। मुरली के जो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं वह हमें अपनी कमजोरी दिखाते हैं और उसे कैसे भरना है यह भी दिखाते हैं। तो इसलिए मुरली बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जी चंदन भाई जी बोलिए।
ओम शांति दीदी। मैंने लाठी को इस तरह लिया है, बाबा कभी कभार मुरली में बोलता है अंधों की लाठी। तो एक तो जैसे हम स्थूल में लौकिक दुनिया में जो आंख नहीं देखते हैं वो उनको एक व्हाइट स्टिक करके वो प्रयोग करते हैं ताकि वो लाठी उनका जीवन होता है। तो जैसे हम भी तीसरा नेत्र हमारा खुला नहीं है, लेकिन वो तीसरा नेत्र खोलने के लिए बाबा जो लाठी हमको प्रयोग करने के लिए दे रहा है, तो मुरली हमारे जीवन के आगे बढ़ने के लिए जैसे उतार चढ़ाव आता है उस हिसाब से आगे खड्डे है या कुछ रुकावट है, उसी तरह से हम त्रिकालदर्शी होके वो आंख खोल के उस तरह से आगे बढ़ने के हिसाब से जैसे दादी प्रकाशमणि मुरली को बोलते थे रिवाइज एंड रियलाइज, तो उस तरह से लाठी हमारे लिए काम करेगा मुरली रूपी लाठी। और जो लौकिक दुनिया में पुलिस वाले लोग लाठी पकड़ के गश्ती करते हैं ताकि वो लाठी के आधार से कोई गलत कर्म करने वाले कोई होते हैं तो उनको लाठी मार के उनसे सच उगाल सच बोलने लगा देते हैं। इसी तरह हमारे अंदर भी 5 विकार रूपी जो चोर छुपा हुआ है, तो उस हिसाब से बाबा की वो मुरली को अच्छी तरह से अपने ऊपर लागू करके व अपने ऊपर उसके गलत फहमियों को निकाल के सच्चाई क्या है, तो हम शरीर नहीं हम आत्मा है, उस तरह से हम जितने उसको प्रयोग में लाएंगे तो अंदर का कोई भी चोर छुप नहीं सकता। इस हिसाब से मैंने ये लाठी को लिया हुआ है। शुक्रिया। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर चिंतन बताया आपने। लाठी यानी कि स्वयं पर हमें इस्तेमाल करनी है, हमारे अंदर से वो सारे 5 भूत भगाने के लिए। बहुत सुंदर। तो जैसे हमारी फर्स्ट सब्जेक्ट है ज्ञान, फिर योग, फिर धारणा और फिर सेवा। तो बाबा यहाँ पे आगे जोर दे रहे हैं कि नॉलेज फुल बनना है। नॉलेज फुल बनेंगे तब जाकर आप सफलता मूर्त बनेंगे। और नॉलेज फुल किसको कहा जाता है, कहा बाबा ने, जो फुल नॉलेज है जिसको, अपने तन मन धन और सब, उसमें सब आ जाता है। इन चारों की नॉलेज फुल होनी चाहिए, तभी हम सफलता मूर्त बनेंगे। और साथ ही एक पल एक भरोसा, हर समय एक की ही याद में एक रस रहे, यानी कि नॉलेज और ज्ञान और योग साथ साथ, तो ही धारणाएं भी अच्छी होंगी। धारणाओं में हम पक्के बनेंगे और हमसे सेवा भी आपे ही होते रहेंगे। कोई इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ओम शांति। एक बल एक भरोसा का एग्जाम्पल हमारी सारी दादियाँ, वरिष्ठ दादियाँ हैं, जिन्होंने कैसे भी परिस्थिति, अभी तो बहुत साधन हमें मिले हैं सेवा के लिए, लेकिन पहले पहले तो कुछ भी नहीं था ना, बहुत परीक्षाएं आती थी, फिर भी एक बल एक भरोसा, एक बाबा ही उनका संसार था, है ना। तो ये दादियाँ हमारा एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, हम उनसे वो प्रेरणा ले सकते हैं एक बल एक भरोसा की। ओम शांति। जी, सच है। और कोई पॉइंट शेयर करेंगे? जी, कविता जी, सिस्टर। जब एक बल एक भरोसा होता है तभी बाबा पूरी तरह सहयोग देता है, हम जब भी जहां भी हो तो पूरी तरह सहयोग जब मिलता है जब हमारा एक बल एक भरोसा होता है। ओम शांति। जी, वो भी है। और किसी को कोई पॉइंट शेयर करना हो तो?
जी प्रिंस की बहन, आपकी बहन। ओम शांति। तो काफी अच्छा चिंतन रहा सबका आज, उसमें भी तो अभी फोन लॉन्च करें, सब लोग मेन स्क्रीन पर रहेंगे और अपना फोन लॉक करें। हमें सिस्टर आप हमें होमवर्क भी दें और योग भी कराएं। जी भाई जी, तो सबसे पहला होमवर्क हम लेंगे मुरली पर। जैसे बाबा ने कहा कि मुरली को नियम पूर्वक नहीं सुनना है, लगन से सुनना। तो आज हम सभी ब्राह्मण एक दृढ़ संकल्प लें कि मुरली कभी भी मिस नहीं करेंगे और ना ही उसे सिर्फ नियम पूर्वक पढ़ेंगे, उसको बड़ी लगन से सुनेंगे और स्वयं में जो कमी कमजोरी है उससे भरने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, है ना। दूसरा होमवर्क वह ले सकते हैं कि जो बाबा ने कहा है कि इंतजार नहीं करो, इंतजाम करो, ये तो। और योग अग्नि की भी बात की बाबा ने, तो हम सभी ब्राह्मण आत्माएं रोज ऐसा समय निकालें स्वयं के लिए भी और विश्व के लिए भी, जिसमें हम योग अग्नि में डूबे रहे, है ना। और विश्व परिवर्तन का जो नगाड़ा बजाना है उसमें हमारा पूरा पूरा सहयोग दे। तो चलते हैं, हम आपको याद करते हैं योग की तरफ। ओम शांति। मैं चैतन्य आत्मा, चैतन्य शक्ति विराजमान हूँ अपने इस अंतिम जन्म के देह में। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण स्वरूप में यह मेरा साकारी स्वरूप पद्म पदम भाग्यशाली स्वयं भगवान परम पिता परमात्मा ने करोड़ों आत्माओं में से मुझे चुनकर यह स्वरूप दिया है। ज्ञान योग दान और सेवा के सब्जेक्ट्स में बाबा रोज मुरली सुनाकर मुझे परिपक्व बना रहे हैं। मुझे आत्मा से निकल रहा तेज प्रकाश सारे शरीर में इस संकारे रूप में फैल रहा हूँ। धीरे धीरे यह पूरा साकारी स्वरूप लाइट के स्वरूप में परिवर्तित हो रहा है।
आत्मा अपने आकारी स्वरूप डबल लाइट में स्थित इसी आकारी स्वरूप को लेकर मैं और चली सूक्ष्म वतन की ओर। को बाप दादा के सम्मुख देखे बाप दादा ने मेरे हाथों को अपने हाथों में ले लिया। उनके नैनों से मस्तक से और हाथों से सर्व शक्तियों का तेज प्रकाश मेरे संपूर्ण परिष्ठ स्वरूप में समा रहा है। मैं आत्मा अब इस आकारी स्वरूप को यहीं छोड़ एक बाबा की लगन में मगन होकर उड़ चली परम धाम निराकार स्वरूप में निराकार शिव बाबा के पास दिन समय उनके किरण रूपी बाहों में बाबा मुझे चढ़ाने इसी लगन अवस्था में आत्मा फिर से उतर आया सूक्ष्म वतन अपने आकारी स्वरूप को धारण कर बाबा के साथ विषम धरती के ऊपर स्थित हो गई और सर्व शक्तियों की किरणें पूरी सृष्टि पर फैला रही अपने आत्मा अपने आकारी देह के साथ फिर से लौट आई हूँ इस कर्म क्षेत्र और स्थित हो जाती हूँ अपने साकारी स्वरूप में ओम शक्ति शुक्रिया बाबा ओम शांति। शुक्रिया बाबा। गुड मॉर्निंग ओम शांति ओम शांति शुक्रिया सभी दिव्य आत्माएं गुड मॉर्निंग बाबू मैंने सीधा